अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू वाले पकोड़ों की रेसिपी। थोड़े से क्रिस्पी होंगे वाले हमारे पकोड़े। इसके लिए हमें चाहिए एक कप बेसन, क्वार्टर कप कॉर्नफ्लोर, एक टेबलस्पून राइस फ्लोर या चावल का आटा, दो से तीन चुटकी बेकिंग सोडा, नमक और लाल मिर्च पाउडर मैंने एक एक टीस्पून लिया है, आप हसबे जायका ले लें, एक टीस्पून सफेद जीरा, एक टीस्पून सूखा धनिया और क्वार्टर गड्डी हमारे पास चॉप फ्रेश धनिया है। इसके अलावा दो मीडियम साइज के आलू हैं जिनके मैंने थिनली स्लाइस कर ली हैं। थिन स्लाइसेस करके मैंने उनको पानी में डिप कर दिया ताकि वो काले ना हों। यहाँ ये हमारा मिक्सिंग बॉल है, इसमें हम अपना मैदा डालेंगे, साथ ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, इसमें राइस फ्लोर डालेंगे, सारी चीजें इसमें डाल देंगे, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा, जीरा, नमक और फ्रेश धनिया। ये सब चीजें इन हमने डाल दी, अभी हम इनको ड्राई मिक्स करके अच्छी तरह फिर हस्बे जरूरत पानी के साथ इसको हम घोल लेंगे। ये हमने इसको मिक्स कर लिया, अभी हम हस्बे जरूरत पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसका हम बैटर बना लेंगे जो ना ज्यादा पतला हो और ना ज्यादा मोटा हो, ना ज्यादा गाढ़ा हो। पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसको मिक्स करते जाएंगे, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, बेसन की बिल्कुल कुटलियां नहीं होनी चाहिए और बेटर है कि बेसन को आप छान के यूज करें ताकि उसमें जो भी गुटलियां वगैरह है वो सारी आपकी छलनी में रह जाए। इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना और इसका बैटर आपने बिल्कुल ऐसा बनाना है जो ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा गाढ़ा हो। ये देखें जी, बैटर हमारा रेडी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ना ये ज्यादा पतला है और ना ये ज्यादा गाढ़ा है। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया, अभी हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया, अभी हम इसकी जो आंच है वो मीडियम कर देंगे। अभी हम अपने आलू जो हैं वो निकाल के उनको अच्छी तरह से बैटर में कोट करके और जो एक्स्ट्रा बैटर है वो हम सारा छिड़क के हाथ से और इसमें डाल देंगे। ये देखें जी, इसी तरह हम बाकी के पकोड़े भी डालेंगे। इसमें सारे पकोड़े हमने डाल दिए, अभी हम इनको कुक होने देंगे। एक साइड से ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट लगेंगे और फिर हम इनकी साइड चेंज करके फिर 5 से 6 मिनट बनाएंगे, पकाएंगे इनको और फिर हम इनको निकाल लेंगे। अभी हल्के से कुक हो गए, हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं, कलर अभी तक नहीं आया, हम दोबारा से ये वाली साइड कुक करेंगे। अभी हम सिर्फ इनकी साइड कलर चेंज कर देते हैं और अभी जो आंच हमारी हल्की थी हम उसको भी मीडियम पे ले आते हैं, मीडियम टू हाई ले आते हैं ताकि कुक हो जाए। इनकी जो निचली साइड है वो कुक हो चुकी है, उन पर कलर आ गया, अभी हम इसको पलट देंगे और अभी हम ये वाली जो साइड पलट रहे हैं इसको कलर देंगे नीचे से। देखें इन पे बहुत अच्छा सा कलर, क्रिस्प हमारे कुक पकौड़े बने हैं और कुक भी हो गए अंदर तक। आंच अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो ये होगा कि जलेंगे भी नहीं और अंदर तक कुक हो जाएंगे और कच्चे भी नहीं रहेंगे। अभी ये ऑलमोस्ट कुक हो गए, अभी हम फ्लेम हाई कर देंगे और इनको जल्दी से कुक करके कलर देंगे और हम इनको निकाल लेंगे। ये कुक हो गए, दूसरी तरफ से भी कलर आ गए, देखिए आप दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा कलर आ गया, मैं आपको दिखा दूं। अभी हम इनको निकाल लेंगे और हम इसको फिर सर्व करके आपको दिखाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे क्रिस्पी मजेदार पकोड़े रेडी हैं। ये हमारे पकोड़ों का फाइनल लुक है, आप इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।